सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, एरो इंडिया 2021 की डेट जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे फिर चाहे बोइंग हो या लॉकहीड मार्टिन हो, ये अपने अपने दावे और अपना अपना एक पर्टिकुलर इंप्रेशन इंडियन एयरफोर्स के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं। और इसी को लेकर के अब बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट जो कि इंडिया में है प्रीत कुमार, उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है जो आपको थोड़ा अच्छी लग सकती है, या इसमें जो उन्होंने किया है कोशिश वो है बोइंग F-15EX की तारीफ करने की कोशिश की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बोइंग F-15EX हर मायने में राफेल को पीछे छोड़ सकता है और बहुत मुमकिन है कि MMRCA 2.0 में बोइंग F-15EX एक अच्छा दावेदार बन के सामने आए। और इंडियन एयरफोर्स के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है, आइए एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। आपको पता ही होगा कि एक बार जो MMRCA 1 हुआ था उसमें फ्रेंच राफेल ने अमेरिकी फाइटर जेट्स और यूरो फाइटर टाइफून जैसे जेट्स को हराया था और भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था। और इस समय जैसा कि चीन के साथ भारत के हालात चल रहे हैं, तो MMRCA 2.0 अब भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको लेकर के हमारे जो वायुसेना प्रमुख श्री RKS भदौरिया सर हैं, उन्होंने पहले भी बयान दिया था, लेकिन उस चीज़ को हम एक साइड रखते हैं। आइए बात करते हैं मेनली कि बोइंग ने क्या कहा है। देखिए, बोइंग ने अपने F-15EX को लेकर के काफ़ी बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि बोइंग F-15EX काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है, न सिर्फ भारत बल्कि इसराइल के साथ भी वो 25 नए F-15S की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ बोइंग की तरफ से ये कहा गया कि वो फिलहाल इसराइल के जो 25 जेट हैं F-15I एयरक्राफ्ट, उनको वो अपग्रेड करेंगे और उनको एडवांस F-15EX में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि US एयरफोर्स ने ऑलरेडी F-15EX के लिए अपना ऑर्डर दे दिया है, पहला ऑर्डर दे दिया है जो कि तकरीबन $23 बिलियन का होने वाला है। अब यहाँ पे अमेरिकन एयरफोर्स के कुछ अधिकारी हैं, उनका ये भी कहना है कि F-15EX एक सबसे अफोर्डेबल और तत्काल तौर पर सबसे अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि पुराने हो रहे F-15C और F-15D को रिप्लेस कर सकता है। सबसे खास बात F-15EX की ये होगी कि आते ही तुरंत ये कॉम्बैट जो हमारे सॉर्टीज हैं उनको भरने के लिए तैयार रहेगा, यानी युद्ध क्षेत्र की तैनाती के लिए ये पूरी तरीके से तैयार रहेगा। अब जैसा कि भारत की अगर हम बात करें, तो भारत इस समय चीन और पाकिस्तान के साथ जो काफ़ी बुरे हालात हैं उनका सामना कर रहा है। दोनों देश की सेनाएं आमने सामने हैं और ऐसे में अब भारत को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो पाकिस्तान और चाइना की जो थ्रेट है उनको काउंटर कर सके। हालांकि भारत को राफेल मिल चुके हैं, लेकिन 36 राफेल उतने पर्याप्त नहीं हैं जितने कि भारत के पास होने चाहिए। और इसी को लेकर के MMRCA 2.0 में अमेरिकन F-15EX को लेकर के बोइंग ने ये कहा है कि बोइंग हर तरीके से राफेल से बेहतर होगा, बोइंग F-15EX। उन्होंने कहा कि बोइंग की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो राफेल से अच्छी है, क्योंकि राफेल के पास जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो मॉडरेट है, यानी मिलीजुली या एक एवरेज स्टेल्थ कैपेबिलिटी राफेल लेके चलता है। कहने का मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि राफेल एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। होगा बोइंग F-15EX भी सेमी स्टेल्थ, लेकिन उनका ये मानना है कि इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो राफेल से अच्छी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि F-15EX F-15 का ही एयरफ्रेम इस्तेमाल करता है, लेकिन इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो तकरीबन 1100 माइल्स की होने वाली है। वहीं F-15EX में हम तमाम प्रकार के जो एयर मिशंस हैं उनको कर सकते हैं, जैसे कि एयर सुपियोरिटी, इंटरसेप्टर और डीप पेनेट्रेशन स्ट्राइक जो कि एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के काम आती है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग और ग्राउंड अटैक। इन सारे ऑपरेशंस को बोइंग F-15EX से काफ़ी आराम से पूरा किया जा सकता है। वहीं जैसा कि चीन और पाकिस्तान अपने अपने फाइटर जेट्स को भारत की सीमा पर तैनात कर रहे हैं, ऐसे में एयर टू एयर कॉम्बैट में बोइंग F-15EX काफ़ी बड़ा रोल अदा कर सकता है। उसका कारण ये है क्योंकि बोइंग F-15EX अपने साथ एक बार में तकरीबन 22 एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर के जा सकता है। इसके अलावा ये हैवी वेपन्स को भी कैरी कर सकता है, जैसे कि ASAT, JSM-ER, GBU-28 बंकर बस्टर लेजर गाइडेड बॉम्ब, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, AGM-84, SLAM-ER। और इसके अलावा ये एवियोनिक्स की अगर हम बात करें, तो एवियोनिक्स में F-35 से जो एवियोनिक्स है बोइंग में शिफ्ट किए गए हैं, यानी एवियोनिक्स के मामले में भी बोइंग ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ऐसा उनका मानना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी आपको याद होगा मैंने अभी ठीक 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी F-18 Super Hornet पे, जहां पे हमने आपको बताया था कि अभी F-18 Super Hornet लॉकहीड मार्टिन का एक नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यूज़ कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो F-15EX में वही इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देने की बात बोइंग ने कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें नए नेविगेशन पॉड्स
और इसमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैक सिस्टम, स्नाइपर टारगेटिंग पॉड का यूज़ होगा और इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इन्हांस होगी और इसका ऑर्डर सऊदी अरेबिया ने पहले ही प्लेस कर दिया है। फिलहाल अगर हम बात करें राफेल की तो राफेल ने 2012 में अमेरिकी F-16 सुपर हॉर्नेट, टाइफून जैसे जेट्स को हराया है और इसी चक्कर में अब बोइंग ये चाहता है कि किसी भी तरीके से वो राफेल को काउंटर कर सकें। फिलहाल राफेल की अगर हम बात कर लें तो राफेल एक फ्रेंच ट्विन इंजन कैनार डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि एक वाइड रेंज ऑफ वेपन्स के साथ आता है और हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख श्री BS धनोवा सर ने इसको एक गेम चेंजर भी कहा था और उसको गेम चेंजर कहने का मतलब ये है कि राफेल के पास जो स्ट्राइक पैकेज है वो फिलहाल एशिया का बेस्ट स्ट्राइक पैकेज है जो किसी भी एयरक्राफ्ट के पास मौजूद है और यही चक्कर है कि बोइंग अपनी जो प्रमोशन है वो करना चाहता है। फिलहाल अभी यहाँ आपको बता दें कि फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडिया ने अभी तक कोई भी अमेरिकन फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए वो थोड़ा हिचक रहे हैं क्योंकि अभी तक भारत रशियन SU-30 MKI, MiG-21, MiG-29 और फ्रेंच और जो जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट हैं, Mirage 2000 जैसे एयरक्राफ्ट हैं, इनको यूज़ कर रहा है और इसीलिए अभी भारतीय वायुसेना को इसके कोई अनुमान नहीं है। वही आपको बता दें कि इसे बोइंग ही नहीं लॉकहीड मार्टिन ने भी ये पेशकश भारत के सामने की है। लॉकहीड मार्टिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर वो भारत उनके इकोसिस्टम में अंदर आता है, यानी लॉकहीड मार्टिन का F-21 भारत सेलेक्ट करता है तो वो खुद का एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम भारत में ही जनरेट करेंगे, डेवलप करेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत F-21 को सेलेक्ट भी करता है तो वो AMCA का जो डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी F-35 की है वो AMCA में शिफ्ट हो सकती है, ऐसा लॉकहीड मार्टिन का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकहीड मार्टिन के पास भी जो मिसाइल कैरी करने की क्षमता है वो तकरीबन 18 मिसाइल एयर टू एयर कैरी कर सकता है, जिसमें AIM-9 साइड वाइंडर और AIM-120 एमरम जैसी मिसाइलें शामिल हैं। लेकिन इसको लेकर के भारतीय वायुसेना का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है और डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि F-21 का तो कोई चांस फिलहाल नहीं दिखता है। लेकिन F-15 अगर EX की बात करें तो जी हाँ, F-15 EX एक कड़ा कंपटीटर है राफेल के अगेंस्ट, लेकिन राफेल इनके मुकाबले में काफ़ी नया एयरक्राफ्ट है और राफेल में सबसे खास बात यह है कि राफेल इस चीज़ के लिए भी अलाउ करता है कि भारत अपनी जितनी भी मिसाइल अभी बन चुकी हैं उनमें इंट्रीग्रेट की जा सकती हैं और उसमें काम भी चल रहा है। तो देखना यह है, एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह कहा था कि अभी पूरा भरोसा जो इंडियन एयरफोर्स दिखा रही है वो तेजस में दिखा रही है, तो ऐसे में अगर 83 तेजस का ऑर्डर दिसंबर में हो जाता है तो ये सोचने वाली बात है कि क्या MMRC 2.0 हो पाएगा, क्योंकि कल की जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया है कि भारत 83 तेजस को ले रहा है। तो ऐसे में अगर 83 तेजस भारत ले रहा है तो शायद हमें MMRC 2.0 ना देखने को मिले। फिलहाल ये तो वक्त की बात है, आने वाले वक्त में पता ही चलेगा, लेकिन अभी के जो हालात हैं वो यही कहते हैं कि जिस प्रकार से कंपटीशन चल रहा है दोनों देशों के बीच में, चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो या रशिया हो, यहाँ पर जो अच्छा ऑफर लेकर के आएगा, जिसके जेट अच्छे होंगे, वही MMRC 2.0 जीतेगा। आपको क्या लगता है, इसमें कौन जीत सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।